मेरा नाम सिपतुल्ला खान है और मैं डेक्कन आर्काइव चलाता हूँ। आज 18 अप्रैल 2024 वर्ल्ड हेरिटेज डे जो हम मनाते हैं, वो आज हमारा वॉक था पुराना पुल मूसी नदी के अतराफ, और ये था हमारा कोलैबोरेशन मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। तो ये हमारा वॉक शुरू हुआ मस्जिद मियामुश्क, जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से हम निकलकर बाजू जो सराई खाना है दारुल इकामा वो देखे, फिर वहाँ से निकलकर हम गए पुराने पुल। पुराने पुल पे हम नदी पर गौर करें, मूसा नदी और उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है ईसा नदी, उसके साथ साथ हम देखे जो हाई फ्लड लेवल मार्कर्स है, यानी कि 1908 की जो तुगयानी के जो मार्कर्स आसफ जाही दौर में पूरे शहर हैदराबाद में मनाए गए थे, वो हम उसकी पहचान करें। इसमें शामिल हुए थे हमारे साथ स्कूल के बच्चे थे, आईटी प्रोफेशनल्स थे, हेरिटेज एंथुसियास्ट थे, सब मिलकर आज इस मौके पर यहाँ जमा हुए ताकि हमारे शहर की एक बहुत नायाब चीज़ जो मूसा नदी है, एक ज़माने में जो शहर को पानी सप्लाई करती थी, अभी तक जो अभी भी कर रही है उस्मान सागर और हिमाचल सागर से, लेकिन शहर के अंदर जो है बेहद बुरी हालत में है, तो वो दिखाने के लिए हम लेकर आए थे आज। उसी के साथ साथ हम गए पेटला बुर्ज, जो लोगों को इलाका तो मालूम है पेटला बुर्ज, लेकिन ये नहीं मालूम कि पेटला बुर्ज नाम इसका रखा क्यों गया। तो दरअसल ये है कि जैसा किले गोलकुंडा में एक पेटला बुर्ज है और बाकी दक्कन के किलों में जो पेटला बुर्ज है, वैसे ही शहर हैदराबाद का जो किला था, यानी जो फसील थी, उसमें भी एक पेटला बुर्ज मौजूद था। अभी जो इलाका फ़िलहाल हाईकोर्ट सिटी कॉलेज और पुराना पुल के दरमियान, जिसको पेटला बुर्ज बोलते हम, वो पेटला बुर्ज पे अभी आप जाकर देखेंगे तो अभी भी वो बुर्ज बाकी है जिसके ऊपर तोपें रखी जाती थी, मूसा नदी के ऊपर बनाई गई थी बुर्ज, अभी भी उसकी दीवार उसकी फसील आपको वैसे ही साबित मिलेंगी। सिटी कॉलेज पर, जो पहले दारुल उलूम बल्दा जिसे कहा जाता था, सिटी कॉलेज का तंज़ तामीर देखकर हमने मूसा नदी के किनारे खड़कर ये हमारा वॉक कंप्लीट किया। अब मूसा नदी की कुछ ख़ास बात यह है कि ये एक वाहिद नदी है जो शुरू होती है तेलंगाना में और ख़त्म होती है तेलंगाना में, यानी विकाराबाद अनंतगिरी हिल्स में शुरू होती है और ख़त्म होती है वज़ीराबाद में कृष्णा नदी से जाके मिलकर महबूब नगर के पास। और दूसरी ये बात है कि बर सग़ीर में बोलिए या कहीं और दुनिया में बोलिए कि ये वाहिद दो नदी है, ईसा नदी और मूसा नदी, जो इब्राहिमिक प्रॉफिट्स, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो प्रॉफिट्स आए हैं, जो नबी आए हैं, वो अंबिया आए हैं, उनके नाम पर रखी गई है। तो ये है एक मूसा नदी मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर, और ईसा नदी ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर रखी गई थी। इसी के साथ साथ आप गौर इस बात पर भी करें कि जो किला गोलकुंडा जिसका नाम है, अभी हम जो किले को देखते हैं, दरअसल उस किले का नाम है किला मोहम्मद नगर, और जो हैदराबाद का नाम है वो तो है हम मालूम है कि मौलाए कायनात के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अम्बियाओं के नाम थे, इनके नाम पर ये नाम रखा जाता था नदियों का, शहरों का और इमारतों का। आप पुराना पुल पे देखेंगे कि एक जो पुराना ब्रिज है ख़दीम ब्रिज है, जो फ़िलहाल अभी उसके ऊपर तरकारी की मार्केट है, और साथ में उसके पैरेलल एक है वहीकल का ब्रिज, उसके आगे जैसा आप उतरेंगे वहाँ से आपको दिखेगा पुराना पुल दरवाज़ा। अब ये दरवाज़ा किस वास्ते है, तो जो शहर हैदराबाद की जो फसील थी, वो फसील का ये सबसे पहला दरवाज़ा तामीर किया गया था अबुल हसन कुतुब शाह के दौर में। 1672 में ये जब तामीर किया गया, एक सिर्फ एक दरवाज़ा मुकम्मल हुआ था, जिसके बाद मुग़ल हमला हो गया और कुतुबशाही सल्तनत मुग़ल सल्तनत के अंदर आ गई, उनसे शिकस्त हो गई। तो बाकी के जो दरवाज़े हमारे दबीरपुरा दरवाज़ा और दूसरे अलियाबाद दरवाज़ा जो एक वक्त मौजूद हुआ करता था, वो बनाए गए मुजफ्फर ख़ान और असदुद्दीन अव्वल के दौर में, जो मुग़ल गवर्नर थे, फिर बाद में पहले निज़ाम बने, तो ये जब तामीर हुई। लेकिन पुराना पुल दरवाज़ा एक इकलौता दरवाज़ा है जो कुतुबशाही दौर में बना और अभी तक मौजूद है। उसी के साथ साथ जो जो दरवा ये जो दरवाजे के सामने पुल है, इसको बोलते हैं पुराना पुल अभी। लेकिन पुराना पुल कब बना, जब आसफ जाही दौर में दूसरे पुलों की तामीर हुई मूसा नदी पे। दरअसल इसका नाम अगर आप देखेंगे हदीकतुस सलातीन, जो किताब है मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद की, ये किताब में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है, आपको इसका नाम मिलेगा सिरातुल मुस्तकीम, यानी वो सीधा रास्ता जो सूरह फातिहा में अल्लाह ने जिक्र किया है। ये पुल का नाम उन्होंने सिरातुल मुस्तकीम रखे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सीधा रास्ता किले मोहम्मद नगर से निकलकर हैदराबाद को लेकर आता है। अब तो ये सिरातुल मुस्तकीम होते होते फिर बन गया, इसको पुराना पुल नाम रख दिए, और ये पुराना नाम लोगों के जहन से मिट गया या मिटा दिया गया।